हेलो एवरीवान सो वी आर स्टार्टिंग विदिज दैट इज हैंज ऑन ट्रेनिंग ऑन पाइथन या फिर यू कैन से इंडस्ट्री स्पेसिफिक ट्रेनिंग ओके हैंड ऑन ट्रेनिंग ऑन पाइथन अब वाई डू वी रिक्वायर दिस ट्रेनिंग बेजिकली इफ वी आर क्लियर विद द बेजिक ऑफ पाइथन सो जो हम लोग यहाँ पे करने वाला है

वो स्ट्रीम्स में जाने के लिए आपको जो बेसिक कंसेप्ट की जरूरत होती है विल बी आउट। फॉर एग्जांपल अगर मुझे वेब डेवलपमेंट में जाना है पाइथन लाइक जेंगो वाला और डेटा साइंस में उसके अंदर वापस उसके जो सब फील्ड आएंगे मशीन लर्निंग डीप लर्निंग कंप्यूटर विजन या फिर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और एल्स डेटा एनालिटिक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा तो जो भी अलग अलग फील्ड्स है उसमें जहां कहीं पे भी पाइथन यूज होता है उसके लिए जो सबसे मेन बेस आपको रिक्वायर्ड है और else, also, और एल्स फॉर योर कॉलेज कॉलेज एग्जाम आल्सो आल्सो प्रोजेक्ट जो बेसिक रिक्वायर्ड है वो बेसिक हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले सो फर्स्ट अभी हम लोग जो स्टार्ट करेंगे एकदम बेस लेवल से आपको अगर फर्स्ट प्रीवियसली आपने कभी पाइथन नहीं पढ़ा है तो भी नो no प्रॉब्लम हम लोग वेरिएबल क्रिएशन से आगे जाएंगे मतलब जो एकदम थरेली जिनको पाइथन बिल्कुल नहीं पता है वो लेवल से जाएंगे एंड उसी में बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट होते हैं जो कभी कभी अगर हम लोग नोट नहीं करते या पढ़ते नहीं है वहां से स्टार्ट करेंगे सो लेट स्टार्ट मैं यहाँ पे आ, जो स्पेसिफिक टूल्स यूज करने वाला हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ सो आई एल बी यूजिंग गूगल को आप जुपिटर भी यूज कर सकते हैं या और कोई अगर आईडी चाहिए वो भी यूज कर सकते हैं गूगल को लैब इज बेटर और जुपिटर बोध वर्क मीन दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है जब आप नॉर्मल पाइथन कोड सिर्फ एग्जीक्यूट करते हैं तो. तो मैं गूगल को लैब करूंगा मैं सिर्फ uh, वो ही स्टार्ट करता हूँ नीड टू गो एंड गूगल पाइथन कोलैब एन योर ब्राउजर एज यू कैन सी मैंने सिर्फ यहाँ पे इतना सर्च uh, किया है और ये फर्स्ट जो है यहाँ से भी आप जा सकते हो और यू कैन डायरेक्टली रेफर दिस स्पेसिफिक लिंक दैट इज गूगल को लैब वाला सो मैं ये रेफर कर रहा हूँ आई क्रिएट अ न्यू नोटबुक दिस टेक्स बिट टाइम फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम तो so, यहाँ पे एज यू कैन सी ये न्यू नोटबुक क्रिएट हो गया यहाँ से जाके आप जो न्यू नोटबुक है उसमें नाम भी उसका चेंज कर सकते हैं आई कैन लेटर ऑल्सो डू द सेम थिंग अब यहाँ पे वेरी फर्स्ट थिंग जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है वेरिएबल क्रिएशन ओके तो वेरिएबल क्रिएशन बेसिकली वर्क कैसे होता है या क्या क्या पर्पज या, या क्या पॉइंट्स पे हम लोगों को फोकस करना पड़ता है वही कुछ चीज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं सो व्हाट आर द वेरिएबल क्रिएशन क्या होगा कैसे वर्कआउट होगा uh, कुछ पॉइंट्स पे हम लोग फोकस करेंगे ठीक है सो यू इमेजिन अ इमेजिनियो जहाँ पे अगर मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग एक टेम्पररी स्टोरेज लोकेशन बना रहे हैं तो जो टेम्पररी स्टोरेज लोकेशन आपका होता है वो आपका वेरिएबल होता है राइट हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है तो सेम वे पाइथन में भी होता है लेकिन पाइथन में आपका बेनिफिट ये होता है कि यहाँ पे मैं विदाउट राइटिंग एनी डेटा टाइप आई कैन क्रिएट अल्प एक्वल टू टू सो ये बेसिकली so, डायरेक्टली आपका एक वेरिएबल क्रिएट कर देगा वी डोट रिक्वायर्ड एनी डेटा टाइप ठीक है आप दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लेट्सो वैल्यू इन एनी वेरिएबल आईव टू राइट लाइक इन फ्लो डबल एनीथिंग यहाँ पे आपको ऐसा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है यू कैन सिंपली राइट अ वेरिएम एंड स्टोर एनी वैल्यू विद्प ऑफ ऑपरेटर इसका बेनिफिट ये होगा कि पाइथन स्मार्ट है वो जो टाइप का वैल्यू आप इंसर्ट करते हैं उसके हिसाब से वो गेस कर लेगा कि आपका वेरिएबल का डेटा टाइप क्या होना चाहिए अब मैं यहाँ पे कंट्रोल एंटर या शिफ्ट एंटर प्रेस करूंगा तो ये कोड को एग्जीक्यूट कर देगा या फिर यहाँ पे भी आपके पास अलग से ऑप्शन रहता है ये वाला तुरंत दस कोड ओके अब फर्स्ट टाइम जब अगर मैं इसको रन कर रहा हूं ना तो ये थोड़ा टाइम लेता है सेकेंड टाइम और उसके आगे अगर आप देखेंगे तो इतना टाइम ले रहेगा अब यहाँ पे ये रन हो गया लेकिन मैंने इसको प्रिंट नहीं किया तो देखो मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ इसको यहाँ पे ए लिखा अब आप गूगल को या फिर जुपिटर जब यूज करते हैं तो आप यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है बाकी के सारे आईडी जब आप यूज करेंगे सो यू यू सपोज टू टू राइट राइट अ प्रिंट प्रिंट स्टेटमेंट लाइक एंड ब्रैकेट में हैव द वेरिएबल नेम आउटपुट देगा यहाँ पे सेम आउटपुट विदाउट राइटिंग प्रिंट भी दे सकता है आपको सो दैट्स वाई दिस इज वे फास्टर कंपेयर टू द अदर आईडीज सो दैट्स वाई वी यूज इट अब यहाँ पे जब मैंने वेरिएबल ए बनाया तो वो वेरिएबल ए जो है वो उसका डेटा टाइप कौन सा है अगर ये मुझे चेक करना है आई कैन यूज टाइप फंक्शन ऑल्सो हियर सो एज यू कैन सी यहाँ पे मैंने टाइप फंक्शन यूज किया है ये मुझे डेटा टाइप बता देगा सो so मेरा जो वेरिएबल ए है इसका डेटा टाइप है इंट बाकी के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको डेटा टाइप अगर प्रिंट करना रहेगा देन आई टू डू लाइक दिस प्रिंट ब्रैकेट में टाइप एंड ए सो ये ऐसा मुझे बताएगा कि एंटीजर टाइप का क्लास जो है वो ये वेरिएबल को असाइन हुआ है और वेरी सिंपल वे आपका एंटीजर टाइप का वेरिएबल है सो आई कैन रिमूव दिस प्रिंट स्टेटमेंट योर आई होप आप लोग जो है वो भी ये टाइप फंक्शन ही यूज करेंगे अब इसके आगे अगर मुझे दूसरा कोड लिखना है या दूसरा वेरिएबल बनाना है तो यहाँ पे आपके पास शॉर्टकट uh, भी दिया हुआ है कंट्रोल प्लस एम बी मैं ये प्रेस कर सकता हूँ और आई कैन सिंपली क्लिक हियर ये मुझे नया प्लेस दे देगा यहाँ पे मैं नए वेरिएबल्स नया कोड लिख सकता हूँ सो दैट्स हाउ इट वर्क्स आप अगर वेरी फर्स्ट टाइम अगर वर्क कर रहे हो तो थोड़ा टाइम लगेगा आप धीरे धीरे सीख जाओगे प्लस पाइथन इतना ईजी है कि हम लोग इसको एज अ कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं आई कैन सिंपली राइट टू प्लस टू ये मुझे आंसर दे देगा कैन यू सी है ना मैं यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन साइन डालूंगा ये मुझे मल्टीप्लाई करके दे देगा यहाँ पे मैं जो डायरेक्ट क्लिक कर रहा हूँ वो, वो okay? तो यहाँ पे uh, मैं अगर कोई वेरिएबल नहीं भी बनाता हूँ स्टिल आई कैन परफॉर्म एनी ऑपरेशन लाइक दिस टू प्लस टू टू इंटू टू और एनी अदर ऑपरेशन अब इसके बाद जब हम लोग वेरिएबल डिफाइन uh, uh, करते हैं तो मैं कोई अलग से यहाँ पे तो मैंने एक ए नाम का वेरिएबल डिफाइन किया जिसके अंदर मैंने वैल्यू टू डाला अब अगर यही वैल्यू को अगर मैं सिंगल कोट्स में डाल दूंगा ओके तो ये सिंगल कोट्स में अगर मैंने ये वैल्यू डाला ना अब इसका मैं टाइप चेक करूंगा ना ये स्ट्रिंग हो जाएगा कैन यू सी सो बेसिकली जब आप एक वेरिएबल क्लियर करता है सॉरी uh, एक वेरिएबल आप डिफाइन करता है डिक्लेयर करता है

इसके अंदर मैंने वैल्यू डाल दिया टू फोर टू थ्री फोर फाइव एंड नाउ इफ आई चेक द टाइप ऑफ टेस्ट वेरिएबल सो ये क्या होगा एस टी आर ओके और यहां से अगर मैं सिंगल कोच हटा दू और डबल कोच वे वो यू राइट सिंगल एंड डबल बोथ विल वर्क हाँ इसमें कोई डिफरेंस नहीं है आई कैन क्रिएट अ वेरिएबल यूजिंग डबल कोच ऑल्सो सिंगल कोच ऑल्सो तो यहाँ पे अगर मैं ये निकाल दू तो अभी आपका जो वेरिएबल होगा उसका डेटा टाइप हो जाएगा एंट एंड यहाँ पे इफ आई कैन जस्ट टाइप टेस्ट तो ये आपको वेरिएबल का वैल्यू प्रिंट करके देगा वेरी सिंपल आई होप आई एम क्लियर टिल दिस पॉइंट अब यहाँ पे आप वेरिएबल का कुछ भी नाम डाल सकते हो ऐसा जरूरी नहीं है मैंने ये जो डाला आई कैन गिव नेम माइनेल्सो और इसके अंदर भी मैं कुछ वैल्यूज डाल सकता हूँ और <coughs> मैं ये वेरिएबल को प्रिंट करूंगा तो मेरा नाम प्रिंट हो जाएगा सिंपल है आई होप दिस की मेरे पास एक टेस्ट वाला वेरिएबल है और एक मेरे नाम वाला वेरिएबल है अब मैं अगर ये दोनों को एड करता हूँ तो मुझे इसका एडिशन मिल जाएगा लेट से मैंने यहाँ पे लिखा टेस्ट प्लस नाइन और यहाँ पे ये दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो ये मुझे टोटल एडिशन देगा ये नंबर प्लस टू थ्री फोर फाइव ये वाला नंबर अब इसमें से अगर मैं एक वैल्यू को स्ट्रिंग अगर बना देता हूं एंड देन इफ आई ट्राई टू एग्जीक्यूट दिस ना अब ये वर्क नहीं होगा ओके okay? यहाँ पे ये वैल्यू को अगर मैं स्ट्रिंग बना देता हूं और अब मैं इसको अगर ट्राई करता हूं तो आपको एक सेकेंड ओके, okay, so आप अगर देखोगे यहाँ पे ये एरर दे रहा है क्यों दे रहा है? Because एक स्ट्रिंग वैल्यू है अपर वन इज अ स्ट्रिंग वैल्यू एंड अब ये दोनों को जब मैं एग्जीक्यूट करने का ट्राई कर रहा हूँ तो ये देखो ये वैल्यू मुझे नहीं दे रहा है आई I मीन mean, ये प्रीवियस वाले को अभी तक uh, <coughs> अभी तक ये स्ट्रिंग कंसिडर नहीं कर रहा है ये इशू है तो ये वाले तो अगर मैं ऊपर ही डाल दू इसको मैं हटा देता हूं नाव आई ट्राई आपको ये एरर देगा ओके सो एज यू कैन सी यहाँ पे मेरे पास एक टेस्ट वेरिएबल है जिसके अंदर जो न्यूमेरिक वैल्यू है उसको मैंने डबल कोट्स में डाला है एंड मेरे नाम वाला वेरिएबल में जो वैल्यूज है उसको मैंने इंटीजो फॉर्मेट में ही रखा है तो जब मैं एक स्ट्रिंग वैल्यू को एक एंटीजो वैल्यू के साथ ऐड करने का ट्राई करूंगा ज्वाइन uh, करने का ट्राई करूंगा तो ये आपको एरर देगा एक तो फिर करेगा, ना? ये, ये वे में आपको रिजल्ट देगा एज यू कैन सी लेकिन प्लस वर्क नहीं करेगा दो चीजों को ये ऐड नहीं कर सकता दो अलग अलग डेटा टाइप वाले चीजों को प्लस सिंबल से आप ज्वाइन नहीं कर सकते लेकिन अगर यहाँ पे मैं सेकेंड नंबर को भी अगर मैं डबल कोट्स में डाल दू इसके बाद अगर मैं ट्राई करूंगा तो दोनों नंबर को आपको ज्वाइन करके बताएगा ये देखो एंड सो so, इसने ज्वाइन कर दिया ओके okay? और यहां पे कॉमा सिंबल भी वर्क करेगा मतलब दो स्ट्रिंग वैल्यूज को अगर आप कॉमा के थ्रू करोगे तो ये टपल टाइप में ये ज्वाइन करके बताएगा आपको ये अब ये टपल क्या होता है ये मैं आगे, आगे आपको बताऊंगा आगे के लेक्चर्स में आप पढ़ोगे सो so ये बेसिकली इसको टपल में डाल देता है सेम <coughs> भी अगर एक स्ट्रिंग और एक एंटीजो वैल्यू है और उसको मैं कॉमा के थ्रू अगर ज्वाइन करने की ट्राई कर रहा हूं तो भी ये टपल में डालता है उसे ओके okay? लेकिन अगर इसको मैं प्लस सिंबल के थ्रू अगर वर्कआउट करने का ट्राई करूंगा तो फिर ये एरर देगा वेरी सिंपल वाई बिकॉज दो अलग अलग डेटा टाइप वाली चीजें ज्वाइन नहीं हो सकते ई होप दैट्स क्लियर टू एवरी वन सो ये हो गया इसके बाद अभी हम लोग नेक्स्ट ट्राई करते हैं नेक्स्ट में लेट्स इमेजिन uh, की मेरे पास दूसरा टाइप का वैल्यू है लेट्स मैं यहाँ पे लिखता हूं सो so, मेरे पास बी वेरिएबल है बी वेरिएबल में मैंने कुछ एक वैल्यू डाला अब अगर मैं ये बी वेरिएबल का डेटा टाइप चेक करूंगा यह क्या होगा फ्लोट आएगा क्यू यहाँ पे अपने डेसिमल पॉइंट में वैल्यू उड़ाला है फ्लोटिंग पॉइंट में वैल्यू उड़ाला है सो so, हेन्स टाइप ऑफ वेरिएबल बी इज फ्लोट वेरी सिंपल इसके बाद में ऐसे में मल्टीपल अलग अलग वेरिएबल्स बना सकता हूं मैं यहाँ पे और एक वेरिएबल बनाता हूँ लेट्स से फोर्टी फाइव पॉइंट फिफ्टी समथिंग और इसका भी अगर मैं टाइप चेक करूंगा तो ये भी आपको फ्लोट ही देगा देन अगर मैं एक दूसरा वेरिएबल बना के इसके अंदर अगर मैं लिखता हूँ पाइथन और ये वेरिएबल का अगर मैं टाइप चेक करूंगा ये स्ट्रिंग आएगा देन और अगर मैं यहां पे बताऊं आपको लेट्स से कि मैंने यहां पे एक कोई वेरिएबल में जैसे मेरे पास uh, एक वेरिएबल है ए वाला अब इसके अंदर मैं बड़ा सा स्ट्रिंग वैल्यू भी डालता हूं ओके okay, तो भी इसका डेटा टाइप जो है इसका आपका डेटा टाइप स्ट्रिंग ही रहेगा यह कहीं पे चेंज नहीं होगा सो ए वेरिएबल का जो आपका डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग ही है अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं लेट से सी इक्वल टू ट्रू देखो यहाँ पे टी कैपिटल है ट्रू का अब जब मैं अगर सी वेरिएबल का टाइप अगर चेक करूंगा दिस विल बी बुलियन सो बुलियन टाइप का डेटा टाइप क्या होता है बेसिकली ट्रू एंड फॉल्स ये दो ही रिटर्न करता है सो ये आप मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स जब चॉइसेस देता है या कंपैरिजन करता है वो टाइम पे ट्रू एंड फॉल्स यूज होता है बुलियन लेट्स से आई एम एलिजिबल फॉर लाइसेंस इफ माई एज इज नॉट ग्रेटर

Uh, इसमें हम लोग कैसे वर्कआउट करेंगे प्लस uh, यहाँ पे मैं एक और एक टाइप का वेरिएबल बना सकता हूँ ये मैं नेक्स्ट वाले इसमें लिखता हूँ लेट्स से कि हम लोग के पास मैथ्स में जैसे इमेजिनरी नंबर्स होता है तो मैं यहाँ पे एक टेस्ट इक्वल टू एक इमेजिनरी नंबर डाल सकता हूँ लेट्स से फोर प्लस सेवन याद रखो पाइथन में जब आप इमेजिनरी नंबर डालते हैं तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जे अल्फाबेट यूज होता है अब मैं यहाँ पे अगर का, अगर चेक करूंगा ये मुझे इमेजिनरी बताएगा सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर बताएगा सो कॉम्प्लेक्स नंबर में आपके पास ये रियल नंबर होता है और ये इमेजिनरी नंबर होता है है ना दो टाइप के नंबर्स होता है तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया ये कॉम्प्लेक्स हो गया अब इसमें से अगर मैं खाली टेस्ट लिखूंगा तो ये सेम नंबर यहाँ पे प्रिंट करके देगा मुझे लेकिन अब ये इमेजिनरी नंबर में से अगर मुझे रियल नंबर प्रिंट करना है ये देखो है ना आई कैन राइट रियल तो आपको ये रियल नंबर प्रिंट करके देगा अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं टेस्ट स्पेस अब जब मैं यहाँ पे इतना लिखता हूं ना ये देखो ये मुझे सजेशन दे रहा है कि क्या करेक्ट स्पेलिंग है अगर मैं इमेजिनरी लिखूंगा तो ये मुझे इमेजिनरी नंबर निकाल के देगा वो जे प्रिंट नहीं होगा Uh, वो अल्फाबेट छोड़ के उसके साथ जो नंबर है वो आई क्लियर टू एवरी वन और अगर मैं सिंपली uh, टेस्ट लिखूंगा तो ये कंप्लीट कॉम्प्लेक्स नंबर मुझे प्रिंट करके देगा आई होप क्लियर टू एवरी वन और हम लोग प्रिंट स्टेटमेंट भी यूज कर सकते हैं प्रिंट स्टेटमेंट ज्यादा हम लोग यूज नहीं करते जब आप uh, एक्चुअल में कहीं पे जब आप आ, आ, कोडिंग करता है तो ज्यादा प्रिंट स्टेटमेंट यूज नहीं होता है एजाए, की अगर हम लोग ऐसा कुछ सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं कंपाइलर यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको कहीं पे प्रिंट की जरूरत ही नहीं पड़ती है विदाउट राइटिंग प्रिंट भी आपका सेम चीजें प्रिंट हो सकता है है ना सो यहाँ पे ज्यादा प्रिंट स्टेटमेंट आपको रिक्वायर्ड नहीं होता है चलो अब नेक्स्ट पार्ट पे आता है नेक्स्ट इमेजिन सिनारीो जहाँ पे मैं एक वेरिएबल uh, क्रिएट कर रहा हूं लेट्स से मेरे पास वेरिएबल है ए इक्वल टू मैंने यहाँ पे लिखा पाइथन प्रोग्रामिंग अब मेरे पास एक वेरिएबल है जिसका नाम है ए अगर मैं ए को प्रिंट करूंगा अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये सेम प्रोग्राम uh, सेम जो स्ट्रिंग है वो यहाँ पे प्रिंट हो गया अगर मैं इसका टाइप चेक करूंगा तो आपको इसका टाइप क्या बताएगा इसका टाइप आपको मिलेगा स्ट्रिंग ठीक है अब यहाँ पे हम लोग क्या सीख रहे हैं वेरिएबल्स uh, जो आप बनाते हैं तो उसमें से जो भी न्यूमेरिक टाइप के वेरिएबल्स अभी तक हम लोगों ने सीखे और uh, जो नॉन न्यूमेरिक टाइप के वेरिएबल्स होते हैं मतलब जो स्ट्रिंग वेरिएबल्स होता है वो स्ट्रिंग वेरिएबल्स में आप कुछ पैटर्न अप्लाई कर सकते हैं वो पैटर्न या वो चीजें क्या रहता है वही आपको अभी समझना है यहाँ पे सो लेट्स इमेजिन कि मुझे ये कंप्लीट जो स्ट्रिंग है ना इस पे uh, मैं एक यहाँ पे पॉइंट लिख सकता हूं दैट आई कैन राइट स्ट्रिंग जो है ना दिस आर बेसिकली इसमें इंडेक्स अप्लाई होता है ठीक है सो so ये इटरेटेबल रहता है इंडेक्स अप्लाई होता है अब ये स्ट्रिंग पे इंडेक्स अप्लाई होना मतलब क्या यही हम लोगों को समझना है और वही हम लोग एक बार समझता है देन आपको यहां समझेगा कि मैं क्या बोल रहा हूं सो so अभी हम लोग यहाँ पे एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाया और ये इट्रीटेबल है या इस पे इंडेक्स अप्लाई होता है इसका मतलब क्या है वो समझता है सो लेट्स इमेजिन मैं जब कभी कोई इंडेक्स की बात करता हूं या ये वेरिएबल में से इंडेक्स निकालने की बात कर रहा हूं तो हम लोग यहाँ पे वेरिएबल के आगे स्क्वायर ब्रैकेट डालते हैं एंड आई कैन टाइप एनी नंबर ओके और मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूं तो ये एक कोई तो नंबर प्रिंट हुआ अब ये वर्क कैसे करता है ये वैल्यू को मैं छोटा कर देता हूँ ठीक है आपका आंसर सेम ही रहेगा यहाँ पे अब समझते हैं इंडेक्स अप्लाई कैसे होता है और स्ट्रिंग uh, इटरेटेबल <coughs> कैसे होता है सो so, समझो कि जब मैं यहाँ पे a इक्वल टू मैंने पाइथन डाला तो मेमोरी लोकेशन जो होगा वो मेमोरी लोकेशन में एक एक वेरिएबल जो है ना सॉरी uh, एक एक अल्फाबेट जो है वो ऐसे सेव होगा ओके okay? और यहाँ पे इस ये हर एक वेरिएबल को एक वैल्यू असाइन होगा ठीक है मतलब एक इंडेक्स वैल्यू असाइन होगा जैसे पी को आपका जो कंप्यूटर में इंडेक्स वैल्यू चालू होता है वो जीरो से होता है जीरो वन टू थ्री फोर एंड फाइव एंड निगेटिव इंडेक्स अप्लाई होता है जो माइनस वन से होता है माइनस वन इसका आएगा माइनस टू माइनस थ्री फोर माइनस फाइव एंड माइनस सिक्स सो बेसिकली वी हैव टू टाइप्स ऑफ इंडेक्सिंग जो आप स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल्स पे या फिर आगे हम लोग दूसरे लिस्ट चीजें देन सेट्स डिक्शनरीज टपल ये सब पढ़ेंगे उसमें इंडेक्स अप्लाई होता है अब ये इंडेक्सिंग कंसेप्ट यहाँ पे आपने एक बार सीख लिया तो बाकी सब जगह पे वो सेम ही रहता है तो बेसिकली क्या होता है आपका जो स्ट्रिंग वेरिएबल रहता है ना पाइथन में वो आपका इटरेटेबल रहता है या उस पर इंडेक्सिंग अप्लाई हो सकता है मतलब ये इंडेक्स पोजिशन के बेस पे मैं कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर्स ये स्ट्रिंग में से फेच कर सकता हूँ जैसे अगर मैं यहाँ पे जैसे हम लोगों ने लिखा ए स्क्वायर ब्रैकेट वन तो यहाँ पे आप देखो ये जो वन है ये वन पे आपको कौन सा वैल्यू मिला ये पे मुझे वैल्यू मिला वाई बराबर है और यहाँ पे आउटपुट में आपका वाई प्रिंट हुआ सेम भी अगर मैं यहाँ पे ए स्क्वायर ब्रैकेट याद रखो इंडेक्स वैल्यूज हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में लिखता है तो अगर मैं ए स्क्वायर ब्रैकेट जीरो लिखूंगा तो पी प्रिंट होगा ए स्क्वायर ब्रैकेट टी लिखूंगा तो सॉरी uh, टू लिखूंगा तो टी प्रिंट होगा स्क्वायर ब्रैकेट में अगर मैं थ्री लिखूंगा तो एच प्रिंट होगा एक्सेट्रा एक्सेट्रा प्लस मैं इसमें कोई स्पेसिफिक अल्फाबेट भी प्रिंट कर सकता हूं। अब अगर मैं यहाँ पे पाइथन प्रोग्राम पूरा डालूंगा तो ये इंडेक्स नंबर्स आपके आगे तक चले जाएंगे सिंपल है और यहाँ पे ये स्क्वायर ब्रैकेट अगर मैं माइनस वन लिखूंगा तो माइनस वन आपका ये रिवर्स इंडेक्स है मतलब रिवर्स से चालू होता है ना ये आपका ये डायरेक्शन में होता है और फॉरवर्ड इंडेक्सिंग आपका ये डायरेक्शन में होता है तो जीरो टू लास्ट नंबर जो भी लास्ट अल्फाबेट आपका जो भी रहेगा वहां तक आपके नंबर्स जाएंगे और लास्ट अल्फाबेट से माइनस वन नंबर तो यहां पे अगर मैं माइनस वन लिखूंगा ना तो माइनस वन क्या प्रिंट करेगा एन प्रिंट करेगा ठीक है ट्राई करते है सब हम लोग सो लेट्स लेट्स hmm. से कि मैंने यहां पे ये माइनस वन कर दिया और मैं यहाँ पे एक नया कोड ओपन करके यहाँ पे मैं लिखता हूं ए स्क्वायर ब्रैकेट माइनस वन सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये माइनस वन पे मेरे पास क्या अवेलेबल है एन आपको दिख रहा है यहाँ पे एन प्रिंट हुआ अगर यहाँ पे मैं ए माइनस वन थ्री करता हूं तो क्या प्रिंट होगा एच सेम वे ए माइनस मैं अगर सिक्स करता हूं तो पी प्रिंट होगा जैसे आपने यहाँ पे देखा और same way अगर मैं ब्रैकेट में 0 डालता हूं, तो प्रिंट होगा और अगर मैं ब्रैकेट में कुछ नहीं डालता हूं सो क्या होगा आपने कोई इंडेक्स वैल्यू प्रोवाइड नहीं किया तो इनवैलिड सिंटेक्स आएगा क्यों आपको यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू प्रोवाइड करना जरूरी है अब अगर मैं यहाँ पे Let's say, मैं बोलता हूँ जीरो से लेके अब अगर मुझे ज्यादा अल्फाबेट्स अगर प्रिंट करना है ना तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ जीरो देन, कोलन मतलब स्टार्ट जीरो इंडेक्स से करो एंड थ्री तक का आप अल्फाबेट्स प्रिंट करो नाउ रिमेम्बर जब हम लोग यहाँ पे ये कुछ पैटर्न की बात करता है ना तो एक बात याद रखना कि इसमें जीरो इज द इनिशियल वैल्यू मतलब इंडेक्स पोजिशन पे जो अल्फाबेट है वहां से वो प्रिंट होना चालू होगा और ये आपका अपर बाउंड है अपर बाउंड का मतलब है कि यहाँ पे आप जो भी नंबर दोगे ना उसमें से एक माइनस होगा और वहां तक के कैरेक्टर्स आपके प्रिंट होंगे तो अगर मैंने यहाँ पे थ्री लिखा है तो टू तक के कैरेक्टर प्रिंट होंगे मतलब अगर मैं जीरो कोलन थ्री लिखता हूं तो यहाँ पे जीरो पे जीरो इंडेक्स पोजिशन पे पी है वन पे वाई है टू पे टी है n3 पे h है लेकिन ये 3 नहीं आएगा बिकॉज़ आपने 3 तक लिखा है तो 3 छोड़ के 2 तक के ही आपके अल्फाबेट्स प्रिंट होंगे देखो p y t सिंपल है अगर मुझे आ, 3 पे जो अल्फाबेट है वो भी प्रिंट करना है तो मैं यहाँ पे डालूंगा 4 और अगर मैं यहाँ पे 0 कोलन और कुछ भी ना लिखू, तो जब हम लोग कुछ भी नहीं लिखते हैं ना तो ये अपर बाउंड कंसिडर करता है कंप्लीट अपर बाउंड मतलब जितना बड़ा आपका स्ट्रिंग है पूरा प्रिंट कर देगा याद रखो मैंने क्या बोला इनिशियल वैल्यू जीरो से चालू होगा है ना इनिशियल वैल्यू आपका जीरो से चालू होगा और अगर मैंने यहाँ पे कोलन में आगे कुछ भी नहीं डाला तो वो क्या कंसिडर करेगा कि आप कंप्लीट स्ट्रिंग प्रिंट करने का डिमांड कर रहे हैं हेंस वो डायरेक्टली पूरा स्ट्रिंग पूरा मैसेज यहाँ पे प्रिंट कर देगा जैसे यहाँ पे प्रिंट हुआ अब अगर मैंने यहाँ पे ये जो कोलन के पहले वाला वैल्यू रहता है पोजीशन रहता है ये आपका इनिशियल पोजीशन रहता है ठीक है ये आपका अपर बाउंड रहता है एंड थर्ड जो पोजीशन रहता है ना ये आप डिफॉल्ट हर एक कैरेक्टर प्रिंट करने की ट्राई कर रहे हो या एक कैरेक्टर छोड़ के एक कैरेक्टर या फिर कितना पोजीशन आपको जंप करना है मतलब मुझे प्लस uh, वन से इंक्रीमेंट करना है इंडेक्स पोजिशन के कैरेक्टर्स को प्रिंट करना टू से इंक्रीमेंट करना है थ्री से इंक्रीमेंट करना है लेट्स से अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं तो जीरो इंडेक्स पोजिशन से एवरी सेकेंड कैरेक्टर विल बी प्रिंटेड पूरा पाइथन नहीं आएगा देखो तो पी uh, वाला एल्फाबेट uh, उसने प्रिंट किया देन पी से सेकेंड इंडेक्स पोजिशन पे टी आता है फिर उसके सेकेंड इंडेक्स पोजिशन पे ओ आता है और उसके आगे फिर अपना स्ट्रिंग ही खत्म हो गया तो उसने क्या प्रिंट किया पी टी ओ सो जब हम लोग ये कुछ पॉइंट की बात करते हैं तो ये जो जीरो है ये आपका इनिशियल वैल्यू है देन जो सिक्स है ये आपका अपर बाउंड है क्लियर है ये आपका अपर बाउंड हो गया एंड जो टू है ये टू जो है ना ये आपको अगर मैंने यहां पे टू के जगह पे कुछ भी नहीं लिखा तो आपका इंडेक्स पोजिशन जो है ना इंडेक्स पोजिशन प्लस वन से इंक्रीमेंट होगा एंड अगर यहाँ पे मैंने कुछ अल्फाबेट दिया तो आपके इंडेक्स पोजिशन उतने नंबर से इंक्रीमेंट हो गए तो अगर मैंने यहां पे टू लिखा तो जीरो प्लस टू देन जीरो प्लस टू टू आ गया बराबर है देन वापस टू प्लस टू कितना होगा फोर होगा देन फोर प्लस टू सिक्स होगा देन सिक्स प्लस टू एट होगा ये वे में होगा अगर मैंने यहाँ पे थ्री डाला तो जीरो प्लस थ्री थ्री हो गया थ्री प्लस थ्री सिक्स हो गया सिक्स प्लस थ्री नाइन हो गया ये वे में चीजें प्रिंट होंगे सो so, अगर आप यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो प्लस वन से ही इंडेक्स पोजीशन इंक्रीमेंट करेगा तो आपके सारे कैरेक्टर्स प्रिंट होंगे पी वाई टी एच ओ एन अगर मैंने यहाँ पे टू डाल दिया तो एवरी सेकेंड कैरेक्टर इनिशियल पोजिशन आपने बोला है जीरो तो जीरो से स्टार्ट होके एवरी सेकेंड कैरेक्टर प्रिंट होगा इट इट वुड बी लाइक दैट ओके अब हाँ वन मोर पॉइंट आपके ये जो भी लेक्चर्स होंगे ये आप कंप्लीट लेक्चर सुन लो ओके okay? और कुछ भी अगर डाउट है आप वो नोट करके रखो एट दी एंड आप मुझे वो जो भी डाउट है वो कमेंट में मेंशन कर दो और हम लोग एक डाउट सॉल्विंग सेशन अलग से रखेंगे जिसमें आपके जो भी डाउट आएंगे ना वो सारे डाउट में कंसिडर uh, करके एक लेक्चर बना दूंगा सो इन बिटवीन हम लोग कंटिन्यू लेक्चर रखते हैं मैं बीच बीच में अगर डाउट सॉल्व uh, करूंगा तो बहुत लंबा लेक्चर बन जाएगा सो so, बेटर की वी कैन कंटिन्यू इन द सिमिलर वे ओके सो चलो यहाँ तक ये यह आपको समझा अब इसको मैं और कंटिन्यू करता हूँ सो so, अब इंडेक्स पोजिशन पे ही हम लोग और कुछ चीजें पढ़ते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है लेट्स इमेजिन नेक्स्ट मेरे पास मेरा जो स्ट्रिंग uh, है वो स्ट्रिंग अभी है लेट्स से मेरा नाम है ठीक है अब यहाँ पे मुझे क्या चाहिए ये स्क्वायर ब्रैकेट मैंने ये पूरा नाम अगर मुझे रिवर्स में प्रिंट करना है तो मैं यहाँ पे माइनस वन लिखूंगा ऐसे ये देखो आपको दिखेगा मेरा पूरा नाम रिवर्स में प्रिंट हो गया मतलब यहाँ पे हुआ क्या इनिशियल वैल्यू आपने कुछ नहीं दिया है ना आउट uh, uh, जो अपर बाउंड है वो आपने कुछ नहीं दिया तो ये बाय डिफॉल्ट इनिशियल पोजीशन जीरो ही कंसीडर करेगा एंड अपर बाउंड भी जीरो कंसीडर करेगा एंड इंडेक्स पोजीशन मैंने बोला माइनस वन तो माइनस वन से वो लास्ट तक के सारे स्ट्रिंग प्रिंट करेगा रिवर्स सीक्वेंस में माइनस वन वाला अल्फाबेट पहले आया देन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव सिक्स जो स्पेस रहता है ना वो भी कंसिडर होता है ये 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 लाइक ये, like <coughs> अब नेक्स्ट अगर मैं यहां पे लेट्स से बी ब्रैकेट मैं टू कोलन अगर मैं यहाँ पे फाइव लिखता हूं या सिक्स लिखता हूं तो

स्ट्रिंग वैल्यूज ही इटरेटेबल रहते हैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ सी इक्वल टू वन टू थ्री फोर फाइव अब ये जो है न, मैं इस पे इंडेक्स पोजिशन अप्लाई करके इसको अगर प्रिंट करने की ट्राई करूंगा ना ये देखो ये आपको एरर देगा क्लियर है ये एरर क्या बता रहा है ये एरर ये बता रहा है कि आप जो स्ट्रिंग वैल्यूज है या न्यूमेरिक वैल्यूज है ये न्यूमेरिक वैल्यूज पे इंडेक्स अप्लाई नहीं होता है इंडेक्स पोजिशन वहां पे आप काम नहीं कर सकते दैट्स वॉट इट से तो यहाँ पे अगर मैं इसको कोट्स uh, में अगर डाल दूंगा ना अब यहाँ पे इंडेक्स अप्लाई होगा सो so, अब ये नंबर प्रिंट कर सकता है अदरवाइज नहीं कर पाएगा ओके okay? हम लोग वापस अपने एग्जाम्पल पे आते हैं तो अब यहाँ पे इंडेक्स पोजीशन वाला पैटर्न मैंने आपको बताया मैंने आपको बताया कि ये इनिशियल वैल्यू कोलन मैं हाईएस्ट वैल्यू डालूंगा तो बेसिकली क्या होगा जो अपर बाउंड है उसमें से माइनस वन कर दो वहां तक क्या आपके अल्फाबेट्स प्रिंट होंगे बराबर है अब अगर मैंने यहां पे कुछ भी नहीं डाला मुझे हाईएस्ट वैल्यू पता नहीं है अपर बाउंड एग्जैक्ट पता नहीं है तो अगर मैंने बीच वाला कोलन को यहां पे ब्लैंक छोड़ दिया मतलब पाइथन ऑटोमेटिकली अपर बाउंड खुद से चेक कर लेगा एज पर द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग और लेंथ आपको मिलता है लेंथ फंक्शन से तो मैं यहाँ पे लेंथ फंक्शन भी लिख सकता हूं सो so, ये लेंथ फंक्शन जो है आपको टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बताएगा कितने हैं तो मेरे पास यहाँ पे इंडेक्स पोजिशन कितने हैं ट्वेल्व तक के कैरेक्टर्स है तो उसके हिसाब से मुझे यहाँ पे इंडेक्स पोजिशन मेरा मिल गया ये फाइव कैरेक्टर्स uh, जो ब्लैंक स्पेस है वो सिक्स और बाकी के ये सिक्स कैरेक्टर्स टोटल ट्वेल्व हो गए सिंपल है तो जीरो टू लेवन मेरा इंडेक्स है तो यहाँ पे अगर मैं डालता हूँ यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ बी स्क्वायर ब्रैकेट जीरो कंप्लीट नाम यहाँ पे दिखेगा ये देखो है ना क्यों बिकॉज जीरो से अगर आप लेल्व कैरेक्टर्स uh, का मतलब जीरो से लेवन होता है तो मैंने यहाँ पे जीरो टू ट्वेल्व लिखा अगर मैं यहाँ पे लेवन डालूंगा ना ये देखो ये एक कैरेक्टर uh, लास्ट का जो मेरा कैरेक्टर है वो कंपरिंट करेगा तो इसके लिए मुझे यहाँ पे ट्वेल्व लिखना पड़ेगा एंड बाय द वे अपर बाउंड में यहाँ पे मैं अगर कोई भी नंबर डालता हूँ ना वो अपर बाउंड है वो अपने हिसाब से कंसिडर करेगा इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है लोअर बाउंड जो है ये इंपॉर्टेंट रहता है हाँ लेकिन अगर मैं यहाँ पे सेंटर में वैल्यू डाल रहा हूँ लेट से यहाँ पे अगर मैं ट्वेंटी लिखता हूँ एंड कोलन में यहाँ पे टू डालता हूँ है ना तो ये अपर बाउंड का वैल्यू आपका आ, एक प्रॉपर वैल्यू होना चाहिए दैट विल भी अलाउड यहाँ पे आप मेरे पास कैरेक्टर से उससे बड़ा नंबर भी डाल दोगे ना तो भी ये वर्क करेगा तो यहाँ पे मैंने क्या बोला इनिशियल वैल्यू इनिशियल पोजिशन जीरोक्स पोजिशन से चालू करो अपर बाउंड मैंने यहाँ पे ट्वेंटी डाल दिया मुझे एक्जैक्टली अपर बाउंड नहीं पता है एंड जीरो इंडेक्स पोजिशन से एवरी सेकंड कैरेक्टर प्रिंट करो कहां तक ट्वेंटी पोजिशन तक सो ट्वेंटी माइनस वन नाइनटीन है ना तो नाइनटीन इंडेक्स पोजिशन तक के हर एक सेकेंड कैरेक्टर प्रिंट करो यहाँ पे हम लोग ये बता रहे <coughs> So, ये तो ये सिंपल में प्रिंट होगा। अगर मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं पता है तो मैं यहाँ पे अगर इसको ब्लैंक भी रखता हूँ तो क्या होगा फिर भी ये प्रिंट करेगा अगर मैं कंप्लीट इसको ब्लैंक रखता हूँ तो क्या होगा तो ये कंप्लीट स्ट्रिंग प्रिंट करेगा ये बहुत इंटरेस्टिंग है ये याद रखना है आपको तो अगर मैंने यहाँ पे लिखा टू है ना टेन एंड थ्री तो ये एवरी थर्ड कैरेक्टर प्रिंट करेगा लेकिन अगर ये मैं ब्लैंक रखूंगा ना तो भी वो प्रिंट करेगा कंप्लीट बिकॉज मैंने यहाँ पे जब कुछ भी नहीं दिया ये पोजिशन पे जब मैंने कुछ भी नहीं दिया तो डिफॉल्ट आपका इंडेक्स से इंक्रीमेंट होता है फर्स्ट दियाशन इनिशियल वैल्यू मैंने कुछ नहीं दिया तो वो बाय डिफॉल्ट उसको जीरो कंसिडर करता है और सेंटर में जब मैंने कुछ नहीं लिखा तो वो बाय डिफॉल्ट मैक्म अपर बाउंड जो आपका स्ट्रिंग करेगा वो कंसिडर करता है एनहेंस यहाँ पे अगर मैं कुछ भी नहीं लिखूंगा फिर भी ये काम करेगा आई होप दैट वेरी 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 क्लियर टू एवरी वन सो सेम वे यहाँ पे ऐसे भी लिख सकता हूँ बी जीरो लिखा बाई डिफॉल्टे बाउंड जो मैगजिम है एवरी सेकेंड कैरेक्टर ये प्रिंट करेगा सिंपल है देन अगर यहाँ पे इसको छोड़ के रिवर्स uh, वाला भी मैंने आपको बता दिया और क्या बचा है हाँ रिवर्स वाला वापस अगर एक बार बता दू मैं आपको तो यहाँ पे मैं कोलन कोलन अगर मैं माइनस वन लिखता हूं तो कंप्लीट स्ट्रिंग ये रिवर्स में प्रिंट कर देगा वेरी सिंपल है है ना लेकिन अगर मैं लेट्स इमेजिन यहाँ पे मैं बोलता हूं वन कोलन एट कोलन माइनस वन अब यहाँ पे ये कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा ब्लैंक देगा क्यों ब्लैंक दे रहा है ये समझता है जब हम लोग मैं यहाँ पे आपको अभी जो बता रहा हूं ध्यान से सुनना सो so, यहां पे क्या हुआ ये वाला जो एग्जाम्पल है ओके okay? तो ये वाला एग्जाम्पल अगर मैं यहां पे स्क्वायर ब्रैकेट ड्रॉ करूं मैंने कोलन डाला कोलन डाला और माइनस वन लिखा है ना तो इसने यहां पे माइनस वन का मतलब क्या होता है बैकवर्ड इंडेक्सिंग तो बैकवर्ड इंडेक्सिंग के हिसाब से इसने अपना इनिशियल वैल्यू देन अपर बाउंड एंड कितने से वो जम करेगा वो खुद से आ, फिक्स कर लिया ये तो मैंने बता दिया ना कि माइनस वन से आप इंक्रीमेंट करते जाओ तो अब ये उसने खुद से कंसिडर करके कर लिया है ना तो ऐसा समझो कि यहाँ पे मेरे पास ये जीरो है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड यहां पे आपका आएगा माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव लाइक दैट है ना तो अब जब मैं यहाँ पे ये वाले पोजिशन में मैं क्या बोल रहा हूं वन से वन से आप कैरेक्टर प्रिंट करना चालू करो और आप कहाँ तक जाएंगे मैंने यहाँ पे बोला आप एट तक जाओ तो यहाँ पे मैंने सेवन और एट डाल दिया ठीक है तो इसको यहां तक जाना है ओके यहां से ये साइड जाना है

Now. इसके आगे नेक्स्ट समझते हैं। आई होप ये जो मेमिन ने बताया वो क्लियर <coughs> होगा आपको नहीं है तो एक आध बार और ट्राई कर लेना सो so, वो प्रॉपर आपको समझ में आ जाएगा ठीक है अब नेक्स्ट अगर आप देखोगे <coughs> इसी में अगर मैं ये सारे नंबर्स को लेट्स से अगर मैं माइनस कर दू ना तब ये वर्क करेगा माइनस वन कोलन माइनस टेन कोलन माइनस टू अब ये आपको आउटपुट देगा क्योंकि मैं रिवर्स इंडेक्सिंग में ही रिवर्स नंबर में ही जंप करने का बोल रहा हूं दिस टाइम दिस इज अलाउड तो आप जब इंडेक्सिंग अप्लाई करते हैं तो अगर आप फॉरवर्ड इंडेक्सिंग अप्लाई कर रहे हैं तो इनिशियल वैल्यू अपर बाउंड एंड जो जितने वैल्यू से वो इंक्रीमेंट होगा वो सारे पॉजिटिव होने चाहिए और रिवर्स इंडेक्सिंग में सारे नंबर्स निगेटिव होंगे तभी ये वर्क करेगा और सेंटर का वैल्यू अगर आप नहीं भी डालोगे तो भी ये वर्क करेगा जैसे मैंने आपको बताया hmm. आगे का वैल्यू नहीं भी डालोगे तो भी ये वर्क करेगा सेकेंड इंडेक्स पोजिशन से आई मीन एवरी रिवर्स इंडेक्स पोजिशन में एवरी सेकेंड कैरेक्टर ये प्रिंट करेगा ओके आई होप दैट्स क्लियर आई होप दैट्स क्लियर टू एवरी वन एंड नो मोर डाउट्स नाउ तो यहाँ पे मैं इसको ये वे में भी लिख सकता हूं इनिशियल वैल्यू uh, आप माइनस uh, टू से चालू करो कोलन कोलन एंड माइनस वन सारे कैरेक्टर्स प्रिंट हो गए अगर यहाँ पे माइनस टू डालूंगा एवरी सेकेंड कैरेक्टर रिवर्स में माइनस टू इंडेक्स पोजिशन से तो माइनस टू इंडेक्स पोजिशन मतलब क्या हो गया अगर मैं यहाँ पे सेम अगर डालू तो कैसे वर्कआउट होगा दिस इज माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव माइनस सिक्स ये माइनस सेवन ब्लैंक स्पेस देन माइनस एट माइनस नाइन माइनस टेन माइनस इलेवन एंड माइनस ट्वेल्व तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे एवरी सेकेंड है ना इंडेक्स पोजिशन टू से आपको चालू करना है और एवरी सेकेंड कैरेक्टर तो ये वाला पर कैरेक्टर प्रिंट होगा देन ये वाला ये दिस वन देन एट के आगे कहाँ आएगा टेन दिस कैरेक्टर देन ये कैरेक्टर रिवर्स में सो ए आर पी पी है ना तो ये कैपिटल और स्मॉल पी जो मैंने डाला है वो सेम देन आर एंड टी ये देखो सेम यहाँ पे प्रिंट हुआ है आई होप क्लियर टू एवरी वन नेक्स्ट uh, इसी को हम लोग और थोड़ा बेटर बना देते हैं सो दैट एवरीथिंग सपोज टू बी वेरी मच क्लियर ओके तो ये हो गया बाद में अगर मैं लेट से यहाँ पे अगर मैं स्क्वायर ब्रैकेट में माइनस टू थाउजेंड कोलन अगर ऐसा कुछ डालो ना तो भी ये ब्लैंक देगा क्योंकि उसको पता ही नहीं है इनिशियल वैल्यू अपर वैल्यू नहीं पता है और मैं जो मिडिल वैल्यू है वो बहुत बड़ा दे रहा हूं तो भी ये ब्लैंक देगा एंड अगर मैं इंडेक्स पोजिशन अगर बहुत बड़ा देता हूं ना जितना बड़ा मेरा स्ट्रिंग नहीं है तो भी ये एरर देगा सिंपल है ये देखो इंडेक्स आउट ऑफ रेंज क्यू बिकॉज मेरे पास टोटल कैरेक्टर जो है वही ट्वेल्व है और मैं आपको बता रहा हूं कि ट्वेंटी इंडेक्स पोजिशन का कैरेक्टर प्रिंट करो तो वो तो बताएगा ना कि नंबर पे कोई इंडेक्स कोई अल्फाबेट ही नहीं है तो आप वर्क कैसे कर सकते हैं बस वही है यहाँ पे सो so, हम लोग यहाँ पे वही बता रहे हैं ठीक है लेकिन हाँ अगर मैं इसके जगह पे ऐसे लिखता हूं कि इनिशियल वैल्यू मुझे नहीं पता है देन मैं यहाँ पे डालता हूं माइनस टेन थाउजेंड कोलन माइनस वन अब मैंने इसको बोल दिया है कि अपर बाउंड जो है ना मेरा वो बहुत बड़ा है मुझे नहीं पता है कितना बड़ा है मैंने यहाँ पे एक रैंडम वैल्यू डाल दिया है लेकिन मैंने उसको बोला है कि आपको वैल्यूज जो है रिवर्स रिवर्स बैकवर्ड इंडेक्सिंग में माइनस वन से चालू करो हर कैरेक्टर प्रिंट करो है ना इंक्रीमेंटिंग बाई वन ये देखो यहाँ पे ये यह क्या बता रहा है ये वाले को मैं कमेंट कर देता हूं एंड लेट्स ट्राई दिस वन तो ये पूरा आपको प्रिंट करके बताएगा वेरी सिंपल ठीक है आई होप दैट्स क्लियर टू एवरी वन एंड नो मोर डाउट्स नाउ इसके आगे अभी हम लोग दूसरे टाइप के जो वेरिएबल्स है वो ट्राई करते हैं। सो so, इसके बाद वाले जो आपके वेरिएबल्स आएंगे वो uh, हम लोग यहाँ पे कुछ फंक्शन ट्राई करेंगे अभी सो लेट्स इमेजिन मेरे पास यहाँ पे एक वेरिएबल है नेम नाम का जिसके अंदर मैं अपना नाम सेव कर रहा हूँ ठीक है मैं इसको प्रिंट करूंगा तो मेरा नाम प्रिंट हो जाएगा अब इसके अंदर हम लोगों ने इंडेक्स पोजिशन तो देख लिया लेकिन अगर मुझे फाइंड करना है कि मेरे जो वेरिएबल है नेम नाम का उसमें ये देखो यहाँ पे ना आपको जैसी मैं डॉट लिखूंगा ना सारे अलग अलग फंक्शंस जो है ना वो आ जाते हैं बस वही आप एक एक बार ट्राई करोगे सो लेट्स इमेजिन अगर मैं कैपिटलाइज फंक्शन ट्राई करता हूँ फंक्शन है तो ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट डालना पड़ेगा तो यहाँ पे अगर मैं एंटर करूँ तो आपको दिख रहा है ये कैपिटलाइज इसको मैं मेरे स्ट्रिंग को चेंज कर देता हूँ सब मैं स्मॉल में करता हूँ देखो यहाँ पे ये यह सब कुछ स्मॉल में है ओके okay? इसको अगर मैं कमेंट कर दू बाय द वे हैश इज सिंगल लाइन कमेंट ठीक है तो हैश से मैं कोई क्लाइन को सिंगल लाइन को कमेंट कर सकता हूं और मल्टी लाइन कमेंट मैं आगे आपको बताऊंगा अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना ये देखो कैपिटलाइज ने क्या किया आपके स्ट्रिंग का फर्स्ट कैरेक्टर uh, जो है ना इसको कैपिटल कर दिया देन मैं डॉट लिखूंगा यहाँ पे आपको दूसरा आएंगे तो सपोज तो मुझे यहाँ पे नेक्स्ट चाहिए फाइंड ओके okay? ये देखो यहाँ पे फाइंड है मुझे क्या फाइंड करना है मुझे फाइंड करना है यू uh, कैरेक्टर तो ये मेरे स्ट्रिंग में uh, ये जो स्ट्रिंग है इसमें जो यू कैरेक्टर uh, जो है वो कौन से इंडेक्स पोजीशन पे आ रहा है ना वो इंडेक्स पोजीशन ये मुझे प्रोवाइड uh, कर रहा है बाय द वे सो मैं अगर यहाँ पे नेम डॉट फाइंड ब्रैकेट अगर मैं लिखता हूं कि पी ए कहाँ पे है तो ये मुझे पी का स्टार्टिंग इंडेक्स पोजिशन बताएगा सिंपल है तो हम लोगों ने दो फंक्शन देखे स्ट्रिंग uh, वेरिएबल्स के ऊपर जो फंक्शन अप्लाई होता है देन सिमिलर वे अगर uh, कोई एक स्ट्रिंग या सबस्ट्रिंग भी अगर मुझे फाइंड करना है तो भी मुझे यहाँ पे मिल सकता है उसका इंडेक्स पोजीशन है ना ये सिंगल अल्फाबेट है ये सबस्ट्रिंग है लेट्स से अगर मुझे चाहिए कि एम ए आर कहाँ पे है कोड्स तो में डालना पड़ेगा लेट्स ट्राई तो एम एम का इंडेक्स पोजिशन कहां से है वो मुझे बता रहा है ये होगा लेट्स अगर मुझे चाहिए कि आ, ये जो ऊपर स्ट्रिंग है इसमें ए कितने बार आ रहा है तो मैं यहां पे लिखूंगा काउंट ए तो ए काउंट बताएगा वो ओके okay? तो ए कितने बार आ रहा है वन एंड टू सो दो बार ए आ रहा है अगर मैं यहां पे लिखता हूं नेम डॉट काउंट आर तो ये आपको बताएगा कि ऊपर वाला जो स्ट्रिंग है इसमें आर कितने बार आ रहा है देखो थ्री टाइम्स वन दिस इज टू एंड दिस इज थ्री वेरी सिंपल देन सेम वे अगर मैं सिर्फ यहाँ पे नेम टाइप करूंगा तो पूरा मेरा जो नेम है वो ही बताएगा अब अगर यहाँ पे मैं दूसरे फंक्शन अगर देखूँ तो यहाँ पे डॉट टाइप करूंगा ना ये मुझे दूसरे फंक्शन बताएगा देखो बहुत सारे फंक्शन है फाइंड है केस फोल्ड है सेंटर है है ना एन कोड है तो यहाँ पे मैं एन कोड भी डाल सकता हूँ एन कोड मैं यहाँ पे लिखता हूँ यू टी एफ ओके एट देखते है ये वर्क करता है क्या आ, मैं भूल गया कैसे करता था? नहीं करेगा नहीं कर रहा है ओके सो so, ये एनकोड वाला एक पैटर्न है डायरेक्ट वर्क कर रहा है क्या ये हाँ, ये देखो एनकोड ये हो गया ठीक है तो ये डिरेक्ट ही वर्क कर रहा है एनकोडिंग सो uh, so, ये बेसिकली पे अगर आप देखेंगे ना ये एनकोड हुआ है इसके लिए इसके स्टार्ट में यहाँ पे बी आ रहा है तो आपको सिर्फ यही करना है कि आप जब डॉट डालोगे तो ये अलग अलग फंक्शन ट्राई करो तो आपको भी पता चलेगा कि ये कैसे वर्क करता है इंडेक्स पोजिशन सेम जैसा नॉर्मली हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में डाल रहे थे तो यहाँ पे मैं वो सेम वे में इंडेक्स वाला जो फंक्शन है वो यूज कर सकता हूं है ना जैसे ऊपर हम लोगों ने यूज किया सो <coughs> so, यहाँ पे से इंडेक्स तो अगर मैं यहाँ पे माउस पॉइंटर लेके जाऊंगा तो ये मुझे क्या बताएगा बिल्ट इन इंडेक्स ऑफ अस ऑब्जेक्ट और ये कैसे यूज करना है वो भी मुझे बताएगा क्लियर है तो यहाँ पे अगर मैं अल्फाबेट ए डालता हूं तो ये क्या बता रहा है अल्फाबेट ए का इंडेक्स पोजिशन ये देखो ये फाइव कैरेक्टर्स हुए ये सिक्स हुआ ये सेवेंथ हुआ है ना तो यहाँ पे ये सेवन पोजीशन के आगे मेरा अल्फाबेट uh, ए है ये बता रहा है Then, ये देन ये सेम स्ट्रिंग को अगर मुझे अपर केस में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे आपको अपर मिलेगा ये देखो ये अपर ब्रैकेट सो ये मेरा कंप्लीट जो स्ट्रिंग है ये अपर में कन्वर्ट हो गया देन अगर मैं मेरे स्ट्रिंग को अपर केस में ही कन्वर्ट कर ये रख दू ये मैंने अपर केस में रख दिया अब मैं यहाँ पे लिखता हूं name, ये देखो मेरा नाम जो है ये लो आ, इसको मैं हैश डाल देता हूं सो एज यू कैन सी राइट नाउ माय नेम इज इन अपर केस तो अगर मैं यहां पे लिखता हूं लोअर तो ये सेम चीज को लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा देन म डॉट टाइटल ये सारे यही के फंक्शन है जो मैं ट्राई करके आपको बता रहा हूँ तो ये क्या करेगा ये देखो मेरा जो स्ट्रिंग है उसमें हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर उसने कैपिटल कर दिया दैट इज टाइटल रिमेम्बर कैपिटलाइज इज डिफरेंट है नेम डॉट कैपिटलाइज जो है ना वो स्ट्रिंग का फर्स्ट कैरेक्टर hmm. ही सिर्फ आ, स्ट्रिंग का फर्स्ट कैरेक्टर जो है ना वही सिर्फ कैपिटल करेगा ये देखो ये वाला लेकिन अगर मैं यहाँ पे टाइटल डालता हूं ना तो ये हर वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल कर देगा सो दैट इज बिटवीन डिफरेंस बिटवीन टाइटल एंड कैपिटल ओके वेरी सिंपल देन मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था कि एक कोई स्ट्रिंग है उसमें कोई नंबर में ऐड नहीं कर सकता ये आपको एरर देगा क्यों बिकॉज दो अलग डेटा टाइप वाली चीजों को मैं प्लस सिंबल के थ्रू ऐड नहीं कर सकता लेकिन कॉमा के थ्रू मैं उसको ऐड कर सकता हूँ सेम वे अगर मैं यहाँ पे प्लस और ये नंबर को अगर मैं कोच में डाल दू अब ये वर्क होगा ठीक है लेकिन यहाँ पे ये स्पेस नहीं आया अगर ये प्लस के जगह अगर मैं कॉमा डालूंगा ना तो ये स्पेस में भी आएगा अभी अलग से That's the difference. Then हम लोग कोई एक चीज को वेरिएबल रख रहा हूं इसके आगे कोई एक चीज को हम लोग टाइपकास्ट भी कर सकते हैं मतलब यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया प्लस सिंगल कोट्स में एक नंबर अब इसके जगह पे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं प्लस एस टी आर फंक्शन और ब्रैकेट में एक नंबर डालता हूं मैं mm. तो इसका मतलब भी सेम होता है मैं सिंगल कोच में कोई एक नंबर लिखू या एस टी आर एस टी आर और ये ब्रैकेट में जब मैं एक नंबर डालता हूं ना तो ये इंटीजर वैल्यू को टाइपकास्ट कर देता है स्ट्रिंग फॉर्मेट में इसको टाइपकास्टिंग बोलते हैं सो बेसिकली टाइपकास्टिंग मीन्स कन्वर्टिंग एनी डेटा टाइप इंटू स्ट्रिंग टाइप क्लियर है तो कोई भी टाइप का आपका वेरिएबल रहेगा उसको स्ट्रिंग टाइप में ही कन्वर्ट कर देगा उसको आप टाइप कास्टिंग बोलते हैं वेरी सिंपल सो यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग टाइप कास्टिंग किया इसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा एनी डेटा टाइप इंटू स्ट्रिंग अगर यहाँ पे मैं अल्फाबेट डालता हूँ ओके okay, इसको लेट से अगर मैं में लिखता हूं और यहां पे अगर मैं इंट डाल दूंगा तो याद रखो ये जो मेरा नंबर है वो इंटीजर में कन्वर्ट हो गया क्लियर है और इसको अगर मैं चेक अगर करना है तो लेट से मैं यहाँ पे ए डालता हूँ एंड आई कैन टाइप ए ए का डेटा टाइप ये आपको इंटीजर बताएगा और अगर ये ब्रैकेट से अगर मैं हटा दू एंड अभी अगर मैं ए का डेटा टाइप चेक करूंगा ये आपको स्ट्रिंग बताएगा तो आपने क्या किया स्ट्रिंग वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया एंड सेम वे आप इंटीजर को स्ट्रिंग में कर सकते हैं लेकिन हाँ वो अल्फाबेट नहीं करेगा सिंपल है तो अगर न्यूमेरिक वैल्यू मेरा कोच में तो वो ये अलाउ कर देगा तो यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग वैल्यू के साथ में टाइपकास्ट करके एक इंटीजर वैल्यू को भी ज्वाइन कर सकता हूं ये हम लोगों ने यहाँ पे सीखा तो मेरे साथ आप भी ट्राई करो तो बेटर होगा या फिर आप एक बार वापस इसको ध्यान से सुन लेना दैट्स यू कैन डू इसके बाद में मेरे पास स्ट्रिंग है यहाँ पे अगर मैं इसको इनटू थ्री करूंगा ना तो ये कंप्लीट स्ट्रिंग तीन बार प्रिंट होगा देखो है ना इनटू थ्री तो मल्टीप्लीकेशन भी अप्लाई होता है आपका जो स्ट्रिंग है उस पर अगर मेरे पास एक वेरिएबल है लेट्स से ए नाम का मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए इक्वल टू अब याद रखो अगर मैं यहाँ पे वापस ए बनाता हूँ ना तो ऊपर वाला जो ए वेरिएबल है उसका वैल्यू ओवर हो जाता है बाय द वे तो ऊपर जो मैंने ए वेरिएबल बना के इसके अंदर स्ट्रिंग वैल्यू डाला था वो रिप्लेस हो जाएगा अभी ये न्यू वैल्यू के साथ में अब अगर मैं यहाँ पे ए इंटू थ्री करता हूँ तो क्या होगा ये इंटीजर वैल्यू को तीन से मल्टीप्लाई करेगा याद रखो इंटीजर वैल्यू पे तीन से मल्टीप्लाई होके ये नंबर का मल्टीप्लीकेशन रिजल्ट आया स्ट्रिंग so, वैल्यू uh, पे जब आप मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो वो आपको सेम स्ट्रिंग तीन बार प्रिंट करके देगा जो यहां पे हम लोगों ने देखा लेकिन इंटीजर वैल्यू पे अगर आप इंटू थ्री करेंगे तो एक्चुअल नंबर को तीन से मल्टीप्लाई करके रिजल्ट देगा सेम वे मेरे पास जो नेम वेरिएबल है इसको अगर मैं डिवाइड बाय टू करता हूं यहां पे नेम वेरिएबल डिवाइड बाय टू तो ये आपको एरर देगा बराबर है लेकिन अगर मैं ए वाला मेरा इंटीजर वेरिएबल को अगर डिवाइड बाई टू करता हूं ना तो ये एक्चुअली नंबर को डिवाइड बाई टू करके आपको वैल्यू देगा देखो कहीं कोई लाइन पे एरर आता है ना तो उसको थोड़े टाइम हाँ, 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 कमेंट कर देने का कभी कभी ये जो कंपाइलर है वो थोड़ा स्लो रिस्पॉन्ड करता है सो आई होप क्लियर टू एवरीवन इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है आपको एक वेरिएबल के अंदर लेट्स से टेस्ट है तो ये टेस्ट वेरिएबल में अब अगर मुझे मल्टीपल लाइन अगर एक वेरिएबल में सेव करना है तो यहाँ पे ये मल्टीपल लाइन सेव नहीं हो सकता आपको दिख रहा ये आ, जो स्ट्रिंग है इसका कलर रेड है और जैसे ही मैंने एंटर मार के कुछ वैल्यू डाला इसका कलर ब्लैक हो गया मतलब समझो कि मुझे एक पूरा पोएम या चार पांच लाइन एक वेरिएबल में सेव करना है दैट इज पॉसिबल लेकिन वो सिर्फ डबल कोच से नहीं होगा उसके लिए मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ हेलो देन दिस पाइथन बेसिक लेक्चर गोइंग ऑन अभी अगर जब मैं इसको सिंपल डबल कोट्स में डालूंगा ना ये एरर देगा तो अगर मुझे ये पूरा वैल्यू अगर सेव करना है तो मुझे यहाँ पे ट्रिपल डबल कोट्स यूज करने पड़ेंगे अब जब अगर मैं इसको टाइप ट्राई uh, करूंगा ये सेव हो गया आई कैन प्रिंट दिस वेरिएबल ये देखो ये कंप्लीट वेरिएबल को प्रिंट करेगा और ये जो जो नेक्स्ट लाइन है ना वहां पे ये स्लैश टाइप करते जाएगा ऑटोमेटिक तो मल्टीपल लाइन भी आप एक वेरिएबल में सेव कर सकते हैं एंड सिमिलर वे लेट्स से कि ये कोड जो है ना ये कोड में अगर मुझे बहुत सारे चीजें अगर कमेंट करना है ना तो कमेंट करने के लिए भी मैं सिंगल डबल कोच्स या सिंगल ट्रिपल कोच्स यूज कर सकता हूँ तो सिंगल डबल कोच्स या सिंगल ट्रिपल कोट्स मल्टीपल लाइन कमेंट्स में भी यूज होता है मतलब मुझे मेरे कोड में से इतने लाइन एग्जीक्यूट uh, नहीं करना है तो मैं उसको ट्रिपल कोच्स में डाल दूंगा और एक वेरिएबल में अगर मुझे मल्टीपल लाइन सेव करना है तो भी मैं उसको ट्रिपल डबल कोच या ट्रिपल सिंगल कोच में डाल सकता हूँ दैट इज पॉसिबल तो यहाँ पे मैं ये सेम चीज को ट्रिपल सिंगल कोच में डालूंगा तो भी सेम वे में वर्क होगा याद रखो तो ट्रिपल सिंगल कोच या ट्रिपल डबल कोच एवरीथिंग विल वर्क एंड नाउ लेट्स इमेजिन कि मुझे ये पूरे स्ट्रिंग को अगर डबल कोच में प्रिंट करना है ना तो मैं यहाँ पे ट्रिपल सिंगल कोच में डबल कोच डालूंगा तो आपका ये स्ट्रिंग ये देखो ये डबल कोट्स में प्रिंट होगा इतना वाला पार्ट ओके okay? और इसके अंदर अगर मुझे वापस अगर कुछ सिंगल कोट्स में बताना है ना तो सिंगल कोट्स में भी पॉसिबल होगा एज यू कैन सी ठीक है आई होप क्लियर टू एवरी वन सो दिस इज द बेसिक आई एम टॉकिंग अबाउट ये आपका जितना क्लियर रहेगा उतना वो बेटर होगा नाउ लेट्स इमेजिन कि मैं और एक वेरिएबल बनाता हूं टेस्ट वाला ही और नेम वाला तो नेम वेरिएबल को अगर मैं प्रिंट करता हूं तो अभी भी मेरा नाम यहाँ पे सेव्ड है है ना तो अब यहाँ पे मैं ये नेम वेरिएबल पे अगर इंडेक्स अप्लाई करता हूँ सेकेंड इंडेक्स पोजिशन से अपर बाउंड में नहीं देता हूँ हाइएस्ट लेवल तक जाओ एवरी सेकेंड कैरेक्टर प्रिंट करो तो ये एवरी सेकेंड कैरेक्टर प्रिंट करेगा है ना लेकिन ये जो भी कैरेक्टर प्रिंट होते हैं ना इसको मुझे लोअर केस में बताना है तो ये उसको लोअर में कन्वर्ट कर देगा सो so, यहाँ पे आपको इससे ये देखो थोड़ा स्लो हो गया सो so, ये बेसिक ये पॉइंट से आपको क्या समझ में आया आपको ये समझता है कि आ, आपका जो फंक्शंस है वो फंक्शंस बेसिकली इंडेक्स पोजिशन पे जो अल्फाबेट है उस पे भी सिमिलर वे में वर्क करता है ठीक है तो मैं लोअर अपर जो भी फंक्शन मैंने अभी तक बताया आपको ये सेम आप यहां पे ये वे में भी ट्राई कर सकते हो एंड लेट से कि यहां पे अगर मैं यहां पे अगर मैं लिखता हूं नेम ओके कोलन कोलन वन और माइनस वन डॉट कैपिटलाइज ठीक है थोड़ा ये थोड़ा डिले सेव हो रहा है और अगर मैं यहाँ पे और कुछ करता हूँ लेट्स से इंडेक्स तो है ऑलरेडी और जो फंक्शंस हम लोगों ने ऊपर ट्राई किए थे ओके okay? सो so, यहाँ पे मैं अगर अपर करूंगा तो ये ऑलरेडी अपर केस में ही है तो अपर केस में आ जाएगा ओके सो सॉरी अबाउट द इंटरप्शन डिस्कस so, जो कर रहे थे ना वही हम लोग कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे जैसे मैं बता रहा था कि यहाँ पे अगर <coughs> मेरे पास कोई एक स्ट्रिंग है जिसपे इंडेक्स पोजिशन अप्लाई करके स्पेसिफिक चीजों को मैं अपर या लोअर या आपने जो अलग अलग फंक्शन पड़े वो फंक्शन हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं दैट्स वॉट वी वसिंग ठीक है बस सेम चीज हो गया आई होप uh, अभी तक मैंने आपको जो भी कुछ बताया वो क्लियर है uh, हम लोग थोड़े और चीजें डिस्कस करेंगे ओके बट आई वॉन्ट यू टू ऑल्सो कंटिन्यू प्रैक्टिसिंग इन विथ मी अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे और बाद में आपको कुछ प्रॉब्लम uh, आएगा हो सकता है वो प्रॉपर समझ में भी ना आए तो बेटर कि आप थोड़ा कुछ मेरे साथ में ट्राई करो तो वो और बेटर होगा और आज फर्स्ट uh, लेक्चर है तो हम लोग ये वेरिएबल जो मैंने आपको बताया यहाँ तक ही रखता है आगे के जो लेक्चर्स रहेंगे वो लेक्चर्स आपके बड़े होंगे मतलब वो टू थ्री आवर्स थ्री एंड हाफ आवर्स वैसा होगा एक ही लेक्चर तो आप वो कंटिन्यू कर सकते हो वो आप कंटिन्यू देख सकते हो सो so, याद रखो दिस इज जस्ट फर्स्ट लेक्चर तो मैं शॉर्ट रख रहा हूँ Uh, जो लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं उनके लिए आगे के लेक्चर्स बढ़े आएंगे सो so दैट हम लोग मिनिमम डेज में मैक्सिमम चीजें आपका कवर कर सके ओके okay? सो so, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर बाय